हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं आप सभी के नवंबर से, और अभी हमारे दिल में एक बहुत बड़ा फेयर है कि सर हाउ टू क्लियर आवर एग्ज़ाम। और ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक सही से नहीं हुई है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लास्ट टाइम में क्या पढ़ के जाऊँ, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी क्या पढ़ूँ, तो मैं आपके लिए जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कृपया करके इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने इसको स्किप करके आगे डायरेक्ट देखा तो आप अपने रिजल्ट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कृपया करके जितना भी मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में, इसको बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों। मैं आपके लिए मस्ट जो है लिस्ट लेके आ रहा हूँ, और ये जो मस्ट लिस्ट है सर, ये आपकी फिलहाल आज आपकी सर 3 अक्टूबर है। 3 अक्टूबर को मैं आपको ये मस्ट लिस्ट दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको अकाउंट ग्रुप 1 की मस्ट लिस्ट आज दे रहा हूँ सर, और एडवांस अकाउंट की ग्रुप 1 की मस्ट लिस्ट आज दे रहा हूँ, ठीक है सर। और यही मैं आपको 5 अक्टूबर को कॉस्टिंग की प्लस FM की सर मस्ट लिस्ट जो है वो शेयर करने वाला हूँ। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान सुनेगा कि आपने बोल दिया और अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे रिजल्ट के। कृपया करके पूरी बात सुनेगा, क्योंकि यही चीज़ आप कॉल करके पूछेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा तो आपको लगेगा कि सामने वाला बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है। इसलिए पूरी बात ध्यान से सुन लें, जो भी बताना है मैं A to Z बार बार बता रहा हूँ, और मैं इसकी रिकन्फर्मेशन कॉल पे और आपको व्हाट्सअप पे मैसेज पे नहीं दे सकता। एक बार जो बोल रहा हूँ 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, और आई थिंक ये 7वां या 8वां अटैम्प्ट होगा मुझे मस्जुलिस देते हुए, जहाँ पे 100% हर बार मस्जुलिस परफेक्टली काम में आती है सर। अभी दुनिया में सुन लीजिएगा मेरे साथ कि अकाउंट ग्रुप 1 की दे रहा हूँ, एडवांस अकाउंट दे रहा हूँ, कॉस्टम दे रहा हूँ, प्लस DT की जो है वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको 5 तारीख तक दे दूँ सर। ये मस्जुलिस कहाँ मिलेगी, पहला क्वेश्चन, ठीक है सर, पहला क्वेश्चन कहाँ मिलेगी, तो सर इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। CA ड्रीमर दी एवेंजर का है, आप CA ड्रीमर्स टाइप करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें। CA ड्रीमर्स दी एवेंजर जो है वहाँ पे आप जाके ग्रुप के अंदर ये मजदूर लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। और सर मुझसे मत कहिएगा मुझे मिल नहीं रही, क्योंकि आपको 3 to 5 अक्टूबर में जाके चेक करना है। अगर आप बाद में जाके चेक करेंगे और कहेंगे सर हमें तो नहीं मिल रही, आप ही ढूंढ के दे दो, तो मैं वो नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर अराउंड 85,000 सब्सक्राइबर है, अगर 85,000 को मुझे बार बार सेंड करनी पड़ेगी तो लेटली दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ डेट वहाँ पे मेंशन होती है टेलीग्राम में, स्क्रॉल कीजिएगा डेट मेंशन होगी, डेट में जाके 3 अक्टूबर इसी वीडियो, ये जो वीडियो देख रहे हो इसके नीचे आपको मस्जुलिस मिल जाएगी, ठीक है सर। तो ये वीडियो देख लीजिए और वीडियो के नीचे आपको मस्जुलिस मिल जाएगी, 3 से 5 अक्टूबर में आपको जाके दिखना है। ओके नाउ माय डियर फ्रेंड, ये मस्जुलिस है क्या पहले तो आप समझ लो, और जो भी मैं बोलने वाला हूँ अगर आपने इसे टिल द एंड सुना तो ही मस्जुलिस काम में आएगी, नहीं सुना तो काम में नहीं आएगी। सर देखो मस्जुलिस में मैं ट्राई क्या करता हूँ, पिछले पहले क्या होता था मैं आपके स्टडी मेट और PM में क्वेश्चन मार्क करा देता था, इस बार मैं आपको खुद क्वेश्चन भी टाइप आंसर भी टाइप दे रहा हूँ। आप इसका प्रिंटआउट निकलवा लो कहीं भी जाके, और वहाँ जाके आप इसको सिंपली क्या है अपना प्रैक्टिस करो। सर इसमें क्या होने वाला है, जो आप क्वेश्चन बताने वाले हो क्या वही एग्जाम में आने वाले हैं, बिल्कुल इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ जितनी भी एडजस्टमेंट उस क्वेश्चन में होगी, ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन हो आपके अकाउंट और एडवांस अकाउंट के दौरान, ठीक है, तो 6 to 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस 6 to 8 क्वेश्चन में 95% जो ICAI आपसे एडजस्टमेंट पूछने वाला है, ध्यान से रखिएगा एडजस्टमेंट, जैसे आपको एग्जांपल लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है, लेट सपोज मेरे क्वेश्चन में वो 900 है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये ट्रीटमेंट आपको सीखनी पड़ेगी, तो ये ट्रीटमेंट मेरी मस्जुलिस में आपको मिलेगी, और आप ये सीख के जाओगे तो ऐसे ही आप कुछ भी आउटस्टैंडिंग रेंट आपसे पूछ ले तो वो वहाँ पे आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, जब आप मस्जुलिस एक्सेस कर रहे हो तो बिल्कुल ये मत समझना कि 100% यही क्वेश्चन आएगा, वैसे जहाँ तक है आएगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि यही आएगा, वरना हो जाएगा गुमराह कर रहा हूँ मैं। बट हाँ एडजस्टमेंट 95% जो भी एडजस्टमेंट उसमें लिखी है वही कॉपी पेस्ट होके ICAI अपने एग्जाम में पूछेगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। तो ये मस्जुलिस करने के बाद, ठीक है सर, ओल्ड सिलेबस में मैंने कुछ चैप्टर दिए हैं, कुछ के नहीं दिए हैं, तो मैं जो नहीं दिए हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो चैप्टर दिए हैं, जो AS के क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें आप अच्छे से करके जाएं, उसमें प्रेजेंटेशन डालने की कोशिश की वो करके जाएं। अब मैंने कुछ वर्किंग नोट्स नहीं बनाए हैं उसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कॉमन सेंस नाम की भी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। मस्जुलिस उन्हीं के लिए काम की है जिसके अंदर कॉमन सेंस है, जिसको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है। आप रट के जाएंगे
आपको मजा नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे 3x-5=8 है तो भैया 3x=8+5 हो जाता है। अब ये 8 और 5 कितना हो जाता है सर, 13, और ये 3x, अब x=13/3 होता है। अब ये एक नॉर्मल मैथमेटिक्स है। लिटरली कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर -5 उधर जाके +5 कैसे हो गया। अब आप खुद सोचो कि जिस फील्ड में आप हो, CA फील्ड में आप हो, और आप CA स्टूडेंट्स अपने आपको बोलते हो, और आपको ये एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रही है, मैं मजदूलिस दे के भी कोई हेल्प नहीं कर सकता सर। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो मजदूलिस भी यूज करने के लिए। अभी इसी बात पे कुछ बच्चे डिसलाइक मार देंगे और कुछ बच्चे समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा काम है मैं सच बोल के आपको समझाऊं। इसलिए मजदूलिस यूज करने से पहले जो मैं बता रहा हूँ वो जरूरी है, आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे चीजें फ्लो होती हैं आपको समझ में आनी चाहिए। और दूसरी चीज, हो सकता है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने एक बार पूरा चेक कराया इसलिए मुझे मजदूलिस देने में टाइम लगा, बट अगर कहीं कोई गलती रह गई हो, एरर थोड़ा बहुत रह गया हो, तो हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप भेज देना कि सर ये एरर है क्या, ये कंफर्म कर देंगे। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं कर दूंगा, अगर एरर कंफर्म करने का टाइम नहीं रहा मेरे पास, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां से जाके मुझे टेलीग्राम ग्रुप जो है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी आप पहले उस पर खुद जाके लॉग इन करें, तब जाके आप सी ड्रीमर्स के लिंक पर क्लिक करेंगे वो वहां खुल जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो वहां जाके जैसे आप मेरा नंबर सेव करके सर्च करेंगे वैसे ही वहां पे सी ड्रीमर्स टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, ठीक है। इसी सी ड्रीमर्स एवेंजर के नाम के भी 2-3 और अलग अलग बच्चों ने बना रखे हैं, वो अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप, बट सी ड्रीमर्स एवेंजर वो पूरा नाम है, ठीक है। तो यहां पे जरा समझो, मजदूलिस जब हम यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबली इस एग्जाम में आईसीएआई आपसे पूछने वाला है। सर हर बार ये होता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं करके जाते, कुछ ग्रुप में एक दूसरे से पूछेंगे ओए विनित मिश्रा की मजदूलिस करे क्या, विनित मिश्रा की मजदूलिस देखिए क्या, कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ बहुत यूजफुल है, और कुछ बच्चे अरे रहन दे वो तो ऐसे उसका काम ही है बोलना, व्यूज कमाने के लिए वो ऐसा करता है। लिटरली आपको लगता है यूट्यूब से इतनी अर्निंग होती होगी कि मैं अपने सब कुछ सर्वाइव कर सकता हूँ, तो कृपया करके गलत थॉट में ना जाएं। ये मेरी एक थोड़ी सी हेल्प है। अब जैसे अगर आप प्यासे हो मैंने पानी पिला दिया तो ये मत सोचना कि मैं उसके लिए करोड़ रुपए आपसे ले लूँगा, तो ये उसी तरीके से एक हेल्प है अपने दोस्तों के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको कुछ बच्चे जो नेगेटिव ले जाते हैं, भैया आपकी जय हो, आपको जो ठीक लगे आप करो, और कुछ मतलब कि अब मैं जो भी है नेगेटिव बात करते नहीं है, पॉजिटिव बात करते हैं। तो भैया ये आपका प्लान बी है मेरी साइड से। प्लान ए जो होता है वो प्लान वो होता है जब आपने 6 मंथ 9 मंथ की स्टडी की होती है। प्लान बी वो प्लान होता है जिसके थ्रू हम एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हैं। अब देखो सर मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आज 3 अक्टूबर की इवनिंग तक, वैसे ये वीडियो के बाद ही मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और जब और ये जो है आपको अकाउंट और एडवांस अकाउंट जो है वो आज मिल जाएगा, ठीक है सर। सर ओल्ड के लिए भी मिलेगा और न्यू के लिए भी मिलेगा। ओल्ड में मैंने कुछ चैप्टर्स नहीं डाले हैं ग्रुप वन में, और इसलिए पता नहीं क्यों नहीं डाले, बट मेरा बोर्ड नहीं किया, वो क्वेश्चन के आरटीपी एमटीपी देख के चले जाना, दैट्स इट। बाकी जो मैंने डाले हैं उसके लिए मैं श्योर हूँ कि यही एग्जाम में आने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, एएस से रिलेटेड हो या जो भी हो। मैंने पहले हर बार मैं एएस नहीं डालता था, मैंने एएस डाल दिया। आपका कॉस्ट एफएम जो है वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया। तो अगर मैं डीटी को भी ले लूँ यहाँ पे, और जीएसटी की प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब पे अपडेटेड है, वो आप जाके देख लेना। अगर मैं इन सब्जेक्ट की बात कर लूँ तो ओल्ड के लिए सर, ओल्ड के लिए जरा बात कर लो, अकाउंट हो गया, कॉस्ट एफएम हो गया, ठीक है सर, डीटी हो गया और एडवांस अकाउंट हो गया। मतलब मेरी साइड से अब मान लो इन सभी में अगर आप 60 भी लेके चलते हो, वैसे तो 80-90 भी आ जाते हैं। लास्ट टाइम एक बच्चे के 84 मार्क्स आए थे, मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस बच्चे का, आए थे, तो ये मत सोचना कि नहीं आए थे। एक बच्चे की AI 34 आई थी, उसने बोला सर मजदूलिस से ही आए थे क्वेश्चन। अब ये आपके ऊपर है, आप उसको कितना लॉजिकल लेके जाते हैं, ठीक है सर। और यहाँ भी 60 लेके जाते हैं, तो आप खुद से जोड़िए जरा, नंबर कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 240, और वही ये न्यू सिलेबस में कितने हो जाएंगे जी, ये न्यू सिलेबस में आपके हो जाएंगे सर अराउंड 300। तो आपकी मेहनत कितनी है, लिटरली बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन है, अराउंड 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक चैप्टर में 8 क्वेश्चन है, आप एक दिन में अगर 40 क्वेश्चन भी करते हो तो 2 से 3 दिन में आपका सब्जेक्ट रेडी हो जाता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा ये आता है कि सर हमें ना, हमें थ्योरी के लिए क्या करना चाहिए ये बताओ। सर थ्योरी के लिए
मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ESSM की मैं खुद अभी काम कर रहा हूँ ESSM पे। ये देखो मेरा एक मास्टर ब्लास्टर जो है कोर्स मैंने अभी बनाया था ITSM के लिए, गूगल ड्राइव के लिए मैंने 50 बार बोल रखा है ओल्ड सिलेबस के लिए। आपने नहीं ली है तो आपकी गलती है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं किया है तो आपकी गलती है। आप जाओ, आप जाके देखो। मैं आज भी लास्ट टाइम आज भी मैं ITSM की गूगल ड्राइव जाके शेयर करूंगा, वहां से डाउनलोड करो, वीडियो देख लो। और ESSM जो न्यू सिलेबस की दिक्कत है सर, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि ES और SM की मैं एक मास्टर ब्लास्टर सीरीज जो है वो निकाल रहा हूँ 40-50 मिनट्स में चैप्टर रिवाइज। ये ES पे भी मैं काम ही कर रहा हूँ, आपके विद इन 4-5 डेज जो है यहाँ पे अपडेटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ मेरे दोस्त, यहाँ पे ES SM होने के बाद अभी ऑडिट की प्लेलिस्ट मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, अराउंड 35 वीडियोज है, आप वो कर लो। मेरी कोई बुक वुक नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि जाके लेना कंपलसरी, आप मत लेना, उस वीडियोस को देख के चले जाओ, आप 60 प्लस में वैसे ही पहुंचोगे। तो सर मैंने 60 प्लस यहाँ करवा देने, 60 प्लस यहाँ करवा देने। ESSM के लिए जो न्यू सिलेबस है, रिक्वेस्ट है मास्टर ब्लास्टर ले लेना, वेबसाइट पे अवेलेबल है बुक वाले सेक्शन में, और मैं लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अगर नहीं लेना है तो कोई नहीं है, जो भी टीचर की बुक हो उसी से अच्छे से करना, रिविजन अच्छे से कर लेना, अमेंडेड पूरी वीडियोस आपको दूंगा, हो जाएगा आपका काम। तो देखो सर मैंने यहाँ 60-60 यहाँ पे भी अपडेट करा दिया। अब बात करते हैं ITSM के लिए, भैया गूगल ड्राइव पहले से रेडी है, मैं पहले से बता रहा हूँ, आप उससे जाके देख लेना। अब बात करते हैं ग्रुप वन में, तो ग्रुप वन में देखो कॉस्ट और FM जो है ये और अकाउंट जो है वो मैं आपका लेके ही पहले से चल रहा हूँ, ठीक। अब जो ग्रुप वन में और हेल्प जो मैं देने वाला हूँ वो मैं अब कोशिश क्या करने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। एक तो DT के समरी नोट्स, GST की तो नहीं दे पाऊंगा सर, GST की बुक है वो जाके देख लेना, सीरीज से वो कर लेना। DT के समरी नोट्स मैं आपके लिए YouTube पे वीडियो नहीं डालूंगा उसकी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और कोशिश करूंगा 10 से 12 अक्टूबर में समरी नोट्स विथ अमेंडमेंट्स मैं आपको दे दूं, और मेरे पास टाइम मिला तो मैं 15 से 16 के अराउंड इसकी जो अपडेटेड वीडियोस हैं, अपडेटेड वीडियोस विथ फेस, ये जो आप देख रहे हो, या फिर फुल स्क्रीन करके जैसा ही बेस्ट लगेगा, मैं आपके लिए वीडियो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जो मैं कर सकता हूँ मैं कर दूंगा, नोट्स इसके फ्री रहेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है बस, वहां से मिल जाएंगे। इसके बाद और क्या करवाने वाले हो सर? तो देखो सर मैंने आपकी कॉस्टिंग का टेंशन खत्म ही कर दिया, अकाउंट का खत्म कर दिया, DT GST खत्म ही कर दिया, अब बच गया एक लॉ। तो लॉ में चलो मैं कोशिश करता हूँ कंपनी लॉ के लिए कुछ करवाने के लिए, बट इसके लिए अभी एडवांस में प्रॉमिस नहीं करूंगा, इसका मुझे 18 से 20 अक्टूबर तक का टाइम अगर मेरे पास रहा तो मैं दे दूंगा। सर एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि हमें इतने बस 10 दिन पहले आप समरी नोट्स दोगे, क्या उससे हो जाएगा? और सच बोल रहा हूँ, उससे हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं कर दूंगा। मैं लिटली सच देख रहे हो, ये बियर्ड इसको बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास, दिन रात अगर मैं ये दिखाऊं, ये देखो जो बुक्स है इस पर नोट्स ही बनाता रहता हूँ कि ये पढ़ाना है ये पढ़ाना है, अगर आपको दिख रहा हो मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे, तो मैं यही करता रहता हूँ लिटली, मेरे पास ज़िंदगी में कोई दूसरा काम ही नहीं है। तो जो मैं देने वाला हूँ वो कहते हैं ना संजीवनी बूटी लाइक, उसको कर दिया तो उसको लगा डाला लाइव झिंगा लाला, इस तरीके से। इस वीडियो को एक बार लाइक और एक प्यारा सा कमेंट में थैंक यू भी बोलोगे तो मेरे लिए बहुत है, और इसके रिटर्न में मुझे आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप मेरी क्लास देखना, मेरा वीडियो देखना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, कुछ नहीं है। बस जब पास हो जाओ तो दुआओं में ज़रूर याद रखना कि, और किसी बच्चे को बता देना कि हाँ विनीत सर हैं, उनकी वीडियोस देखो बहुत हेल्पफुल है। देखो सर अभी कुछ बच्चे बोलते सर मोटिवेट कर दो, एक्चुअली ना मोटिवेशन कॉन्फिडेंस, अब ये मुझे बच्चों वाले वर्ड लगते हैं, सच बता रहा हूँ। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना, जो इंसान अपने कर्म को लेके, अपने हार्डवर्क को लेके, अपनी डेडिकेशन को लेके अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है तो उसको ना तो कॉन्फिडेंस की नीड है ना तो उसे हार्डवर्क की नीड है। मतलब जो इस इंसान को पता है कि मुझे लेट सपोज पानी पीना है, तो ये लो जी पानी लिया, पी लिया, अब बताओ इसमें मोटिवेशन की क्या नीड थी? जी इसमें तो कोई नीड नहीं है। लेकिन जब आप सिर्फ पढ़ने बैठते हो तभी क्यों मोटिवेशन की नीड आपको चाहिए? अपने फ़ोन से बात करनी है दोस्त से, हेलो जी क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, सारी चीज़ आपने पूछ ली, वहाँ आपको मोटिवेशन की नीड नहीं है। लेकिन जब आपको, सुनना ध्यान से, जब आपको पढ़ने बैठना है तभी मोटिवेशन की नीड क्यों पड़ती है? एक्चुअली है क्या ना, आपने अपने दिमाग को जरूरत से ज़्यादा ओवरलोड कर दिया है। जो चीज़ सिंपल सी थोड़ी देर पढ़ के, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, हार्डवर्क करके जो पॉसिबल है, आप उस चीज़ के लिए कभी अपॉर्चुनिटी देखते नहीं हो। ये जैसे बोतल है, इसमें देखो ये पानी यहाँ तक फिल है, यहाँ पे हाफ है। तो जो चीज़ आपसे नहीं हो रही है आप सिर्फ उसी पे फोकस करते हो और अपने आप को कोसते रहोगे लाइफ टाइम कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, टीचर्स अच्छे नहीं थे, ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, सब कुछ बर्बाद था, इसलिए मैं भी बर्बाद हूँ। बट ये जो बोतल भरी है यहाँ पे, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है आज कि आप उसका फ़ायदा उठा के पढ़ सको, वो आप कभी फोकस नहीं करते।
मैंने एक ही चीज सीखी है जिंदगी में और मैं उसी को ऑलवेज फॉलो करता हूँ कि जब 18 दिन के युद्ध में महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की मदद से पांडवों ने महाभारत जीत लिया था, तो ये तो अभी भी यार हमारे पास ज्यादा दिन है, वी हैव अराउंड 20-25 डेज, तो हम क्यों नहीं कर सकते मुझे ये बताओ। ठीक है, अब एक चीज लास्ट टाइम कंक्लूड करूंगा, कॉस्ट एफएमए और मतलब कि ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस को लेके हल्का सा एक क्लेरिफिकेशन दे दूं। ओल्ड में मैंने मजदूर लिस्ट में कुछ चैप्टर कम रखे हैं, अकाउंट में भी थोड़े से कम हैं, कॉस्टिंग में सारे मिल जाएंगे लगभग, एफएमए लगभग सारे मिल जाएंगे और टैक्सेशन में भी सारे मिल जाएंगे, अकाउंट में थोड़े से कम मिलेंगे, बाकी न्यू में 100% सिलेबस मैंने दिया ही है मजदूर लिस्ट के अंदर। ठीक है, और एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, वो आपको ऐसे ही के स्टडी मैट से करना है, नया वाला ऐसे ही का, मैं उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि डाउनलोड कैसे करते, तो टेंशन नॉट, मैं शेयर कर दूंगा। इसके साथ बस एक काम कर लेना, RTP, RTP, MTP करके चले जाना, थोड़ा सा लॉजिकल सॉल्व करना उसको, मैं श्योरिटी देता हूँ आपको 100% कि आपका एग्जाम पेपर में जो रिजल्ट आएगा वो पास का ही आएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो किसी चीज़ की, ये चीज़ पहली बार कर रहा होता तो शायद मेरे चेहरे पे कॉन्फिडेंस कम होता, लेकिन इतनी बार कर चुका हूँ मैं शिद्दत से, बच्चों की रैंक भी आ गई है, 84 मार्क्स भी आ गए हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये चीज़ काम करती है। अब आपका काम है इसे शिद्दत से एक बार बस अप्लाई कर दो। जैसा मैंने कहा कि वाटर में वो पोर्शन मत देखो जो खाली है, वो देखो जिससे रिजल्ट आ सकता है, जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास करने के लिए उसे करो। ठीक है सर, दुआओं में याद रखना, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और लास्ट थिंग मुझे जो ऐड करनी है वो मई 21 के लिए टॉप 20 का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है बनना, अगर आप में कोई इंटरेस्टेड हो तो 9354719404 पे एक बार कॉल कर लेना, कॉल बैक डेफिनेटली आएगा, वरना टेक्स्ट मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना कि सर मैं टॉप 20 के लिए इंटरेस्टेड हूँ, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, अगर आप एलिजिबल हुए और आप रैंक के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप टॉप 20 में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, okay, take care, God bless you, and bye-bye.